वाला नहीं है आप लोग को। है ना, रसल वाइपर सांप है। हाँ, रसल वाइपर सांप है। एक डब्बा मंगा दीजिए। डब्बा है, डब्बा वब्बा है। अरे वो डब्बा दीजिए। अरे वो फुटल डब्बा अपने घर से लाइए। सर अभी भी एक कॉल आया था दोस्तों, भैया एक लगते हैं उनके घर से, तो आइए देखते हैं। एक रसल स्वाइपर को दिखाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये कोना में आप देख सकते हैं रसल स्वाइपर है। अरे ये डब्बा में नहीं होगा, बड़ा डब्बा दीजिए ना। देखिए ला रहे हैं। अरे पकड़ो रे, हम अपने से लेते हैं। अच्छा देखिए तो वाइपर है ना, देखिए ये रसल वाइपर है, बहुत ही डेंजर और खतरनाक सांप है। इसमें वाइपर है ना, रसल वाइपर बोलते हैं। रसल वाइपर बोलते हैं, हम तो देखते हैं सब पता लगे। बहुत ही खतरनाक सांप, हम बोल भी दिए। बहुत पीछे चल जाइए, एक मिनट एक फोटो ले लेते हैं। बता रहा भागने का, रेडी रहिए। हाँ ढक्कन हम दे रहे, लेकिन वही एक कटा हुआ ढक्कन नहीं, तब नहीं। पन्नी डाल लें उससे क्या होगा, वो छोटा बहुत लड़की है। रसल वापर है, रसल वापर आगे से कम पीछे में खड़ा है, मेरे कुछ दिखाई देगा ना, मुंह दिखाई देगा। अपनो दिमाग लगा था, अरे वीडियो बनाए ब्लॉग बना रहे, हमारे घर से निकल गए, पूरे घर में लोग आराम से रह। सीताराम लाइट चल के देगा, सीता तुम मेरा बहनिया देख कहां पर, हम भी बैठे थे नाते घर। कैसा ना सब कुछ हट जाइए, ढकेल देबो हम, दौड़ लो तुम रखल बात पर। तीन मंदिर के बाद अंदर है, तीन मंदिर का भाग ले ना, सब भाग ले। हां नहीं मेरे पास छुड़ी है, तो भाग ले, भागो ही बेटा, करे ना मार ले ले याद ना। बहुत हम लोग मार दिए थे महाराज। ओ वहीं पर ना अड्डा पास याद है, कहाँ से निकले थे? घर से।
देखिए आप लोगों को जितना आसान लगता है ना पकड़ना उतना है नहीं, ये बहुत खतरनाक सांप है। अगर एक बार बाइट हो जाए ना, हल्का से भी हो जाएगा बाइट, तो कोई नहीं बचेगा, अस्पताल नहीं है। लेकिन कभी भी स्नेक बाइट हो तो आप अस्पताल ही जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। बहुत जहरीला।